और केवल हम यही चाहते हैं, ये जितनी भी विदेशी ताकतें हलीउल्लाह हैं, ये ना तो गुरुद्वारों में घुसें, ना मंदिरों में घुसें, ना भोले भाले हिंदू या किसी भी मजहब के व्यक्ति को बहलाएं ना। जब तक ये विधर्मी लोगों के हाथ पांव नहीं कानून का शिकंजा मजबूत किया जाएगा, ये विधर्मी लगातार भोले भाले हिंदुओं को, सनातनियों को जगह जगह जाकर के प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कर रहे हैं, जगह जगह गाड़ा जा रहा है। और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे थे छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, ऐसे मिशनरियों के मुंह पर तमाचा भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया। ये कोई बाबाओं का डेरा नहीं है कि जहां बाबा खत्म तो डेरा खत्म। हम जीवते परमेश्वर की संतान हैं, या एक एक जन या वॉलंटियर्स तक आत्मा से भरे हुए हैं, या आप लोग भरे हुए हैं, मेरी टीम भरी हुई। कोई एक बंदे के सिर पे यहां कुछ नहीं चल रहा। हालेलुया, हालेलुया। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। अरे बड़े से बड़े स्ट्रिंग ऑपरेशन हो जाते हैं, इतने इतने बड़े मीडिया कर्मी बैठे हैं, इतना धर्म परिवर्तन अगर हुआ तो मैं तुमसे एक स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं हो सका। मिशनरियों को डर हो गया, ये आदमी बहुत खतरनाक है, हमारे मिशन को रोक सकता। तो मैंने एड्रेस बोल दिया है, अगर इसको खरीदा हुआ तो साबित कर दो। वैसे धर्म परिवर्तन है, बोलते सभी है, प्रूफ किसी के पास नहीं, क्योंकि है ही नहीं। केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताने। लोगों को मालूम होगा कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन है। आमीन। घबराए हुए लेकिन आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा आज करा शैतान घबराया हुआ है। हॉस्पिटल ICU वाली, तो मैंने एड्रेस बोल दिया है, अगर इसको खरीदा हुआ तो साबित कर दो। और अगर ना एलियन है ना, एलियन पूरे अमेरिका में, वो एलियन दिखे, वो एलियन कभी नहीं दिखे किसी को। वैसे धर्म परिवर्तन है, बोलते सभी हैं, प्रूफ किसी के पास नहीं, क्योंकि है ही नहीं। वहां से पैसे लेकर क्रिश्चियन बनेगा, वहां से लेकर कुछ और भी बन जाएगा, लेकिन जो दिल से यहोवा को मानते हैं, अरे तुम उनके गले पे तलवार भी रख दोगे तब भी यहोवा के हैं। तुम क्या डरावों की बात कर रहे हो? अरे 12 लोगों को डराना चाहा, 400 करोड़ हो गए हम। 12 चेलों को डराना चाहा, 400 करोड़ हो चुके हम। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ये वो टेस्टमनी है जो हॉस्पिटल के अंदर है। इनसे पूछो, एड्रेस बोल दिया मैंने शरेआम, मैं एक भी बार इनसे मिला नहीं हूं, अभी तक नहीं मिला हूं। जाओ देखो। अरे बड़े से बड़े स्ट्रिंग ऑपरेशन हो जाते हैं, इतने इतने बड़े मीडिया कर्मी बैठे हैं, इतना धर्म परिवर्तन अगर हुआ तो मैं तुमसे एक स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं हो सका। हालेलुया। अगर मुझे परमेश्वर ने चुना है, उसने उसी तरह आपको चुना है। जब परमेश्वर उसी तरह उनको भी चुन लेगा, वो भी यही बात बोलेंगे कि यीशु परमेश्वर है। फिर लोग उनको भी बोलेंगे तुमने पैसे लेके धर्म परिवर्तन कर लिया। हालेलुया। वो एक कार्टून सीरीज आती है, उसमें ऐसे एक मगरमच्छ है और नहीं, दो भैंसे खड़ी हैं और ऐसे सामने लकड़ी का लट्ठा पड़ा है। एक भैंस कह रही है मगरमच्छ है, दूसरी कहती है नहीं लकड़ी का लट्ठा है। एक कह रही नहीं नहीं मगरमच्छ है, दूसरी कह रही नहीं लकड़ी का लट्ठा है। जो लकड़ी का लट्ठा कह रही थी उसने ऐसे मारा उसके ऊपर, मगरमच्छ के ऊपर, उसने पकड़ के खींच लिया वापस। हाँ, फिर दूसरा आया, दूसरी भैंस आई, कहती नहीं ये लकड़ी का लट्ठा ही है, मतलब जब तक मैं खुद टेस्ट नहीं कर लूंगी मानूंगी नहीं। अब परमेश्वर खुद टेस्ट करवाएगा उन लोगों को कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। और आपने सब लोगों के लिए प्रेयर करनी है। आमीन। अपनी अपनी गवाहियां इंटरनेट के ऊपर अपलोड करो, अपनी अपनी गवाहियां यूट्यूब पे डालो, अपनी अपनी गवाहियां हमें